हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ जुगाड़ से केक। ये देखिए कितने सुंदर केक बने हैं और कितना स्पंजी केक है ये। इस तरह से केक खाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि घर में माइक्रोवेव होना ज़रूरी है। ये देखिए, इसके लिए एक बाउल में एक कटोरी मैदा लिए हैं और एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और आप छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लिए हैं। और इसमें हाफ कटोरी शुगर पाउडर लिए हैं। इन सभी मिश्रण को अच्छी तरह से इस तरह से छान लेंगे। अब ये देखिए, ये अच्छी तरह से छन चुके हैं। अब इसे अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें बिना स्मेल वाले 5-6 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 6-7 बूंद वेनीला एसेंस को डालेंगे और आधी छोटी चम्मच विनेगर को डालेंगे और आधा कटोरी दूध इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से आपस में मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसे इस तरह से अच्छी तरह से 4-5 मिनट तक मिक्स कर देंगे और मेरा मिश्रण इस तरह का होना चाहिए। अब ये मिक्स हो चुके हैं। एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा मिश्रण निकाल लेते हैं और इसमें हाफ चम्मच कोको पाउडर मिलाकर इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मिश्रण थोड़े गाढ़े हो चुके हैं, इसलिए इसमें 1 चम्मच दूध मिलाकर इसे फिर से इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से, अब ये मिक्स हो चुके हैं। अब कढ़ाई को इस तरह से गैस पे 5 मिनट तक गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब सभी कटोरी में ब्रश की मदद से इस तरह से रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। अब सारे कटोरियों में रिफाइंड ऑयल लग चुके हैं। अब सभी कटोरी में मैदे की कोटिंग कर देंगे कि ताकि हमारा केक अच्छी तरह से बनने के बाद कटोरी से बाहर आ जाए, इसमें चिपके नहीं इस तरह से। और बचे हुए मैदे को इस प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए, हमारा कटोरी अब रेडी हो चुका है। अब सभी कटोरी में इस स्पून की मदद से इस बैटर को डालेंगे। ये देखिए, अब सारे कटोरी में वेनिला फ्लेवर मिश्रण डाल दिए हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर मिश्रण को इस तरह से डालेंगे। अब एक स्पून की मदद से इसे इस तरह से डिजाइन बना देंगे। ये देखिए, तीनों कटोरी में डिजाइन बन चुके हैं। अब ये रेडी है पकने के लिए। अब इस कढ़ाई में से तीनों कटोरी को इस तरह से रख देंगे। और उसे इस तरह से 30 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 30 मिनट हो चुके हैं और इसे देखते हैं कि अब ये पके हैं कि नहीं। इसे एक टूथपिक की मदद से देख लेते हैं। ये देखिए, टूथपिक में जरा सा भी मिश्रण नहीं लगा है, इसका मतलब हमारा केक पक चुके हैं। अब इसे रूम टेम्परेचर पे लाते हैं। अब केक रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं और उसे एक नाइफ की मदद से इस तरह से चारों किनारे से इसे करते हुए केक इस तरह से कटोरी को थपथपा कर केक को निकालते हैं। ये देखिए, हमारा कितना प्यारा सा केक बन के तैयार है। ये देखिए, इतना स्पंजी केक। ये देखिए, आप भी अपने घर में इस तरह से जुगाड़ से केक बना सकते हैं और अपने घर वालों को खिला सकते हैं। ये देखिए, इसे एक नाइफ की सहायता से इस तरह से काटते हैं। देखिए कितना स्पंजी केक बन के तैयार हो चुका है। आप भी अपने घर में ऐसे ही जुगाड़ से केक बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।